गोस्वामी जी कहते हैं आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम उजड़ा हुआ आश्रम है, लेकिन उजड़ा हुआ आश्रम में तुलसी की बड़ी महिमा, तुलसी का पौधा, तुलसी का विरवा दिखाई दे रहा है। पत्थर की चट्टान, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, शिला देखी तो दूर से नारी की आकृति दिखाई नहीं दे रही है वो, लेकिन दूर से तुलसी का विरवा दिखाई दे रहा है, तुलसी का दर्शन हो रहा है, हरी भरी तुलसी आकर्षण है। चट्टान के प्रति आकर्षण नहीं है, शिला के प्रति आकर्षण नहीं है, तुलसी के प्रति आकर्षण है। इसलिए पूछ रहे कि ये शिला अद्भुत, पूरा आश्रम उजड़ा, बड़े बड़े वृक्ष सूख गए, लेकिन इस पत्थर के मध्य में ये तुलसी हरी भरी, ये क्या है गुरुदेव? कहे थोड़ा आगे तो बढ़ो, हम भी देखें कि क्या है। विश्वामित्र जी बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो, और जैसे ही भगवान राम थोड़ा आगे बढ़े तो नारी की आकृति है उस पत्थर में। भगवान ने कहा अरे इस पत्थर की चट्टान में तो नारी की आकृति है, तो किसी ने आकृति बना दी क्या इस पत्थर में? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, आकृति बनाई नहीं है, ये नारी ही पत्थर की हो गई। पत्थर में नारी की आकृति नहीं है, बल्कि नारी ही पत्थर हो गई है। नारी पत्थर हो गई? हाँ। कैसे हुई? कहा गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, ये गौतम की पत्नी है, गौतम ऋषि ने श्राप। हा पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही, जब पूछा तो सकल कथा मुनि कही, सकल कथा मुनि कही, जब पूछा तब कही सकल कथा। जब कहने लगे अहिल्या के बारे में विश्वामित्र जी महाराज, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव जो आप सुना रहे हैं ये तो व्यथा है, ये कथा है ही नहीं। किसी के दोषों का वर्णन किया जाए तो बोलो वो व्यथा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोषों के बारे में चर्चा हो रही है तो व्यथा है, और यदि किसी के गुणों का वर्णन किया जाए तो ये कथा है। गुण कथा बना देता है, गुण से व्यक्ति की कथा बन जाती कि नहीं? राम जी में गुण ही गुण है, इसलिए कथा बन गई कि नहीं राम जी की? बोलो किसके कारण बनी राम कथा? गुणों के कारण। गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं, गुण ही गुण। संसार में केवल एक ब्रह्म ऐसा है, एक राम ऐसे हैं जिनमें गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं। तो बोलो कथा बन गई कि नहीं? जिनमें गुण ही गुण होते हैं उनकी कथा होती है।
कृष्ण भगवान कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन गुण ही गुण है भैया। अल्प बुद्धि के लोग कहने लगे वो ऐसा करते थे वैसा करते थे ये करते थे वो करते थे है? ये फालतू की बातें समझते नहीं हो इसलिए कहते हो। अरे वो नरनाट्य है लीला है उसको तुम अपने से क्यों जोड़ रहे हो? परमात्मा की लीला को क्या समझ पाओगे तुम? जो उन्होंने किया है संसार में कोई कर सकता है? राम कृष्ण ने जो किया है, नृसिंह वामन परशुराम ने जो किया है, ईमानदारी से बताओ कोई कर सकता है क्या? कोई कहता परशुराम जी क्रोध, परशुराम जी को क्रोध ज्यादा आता था, वो क्रोधी थे, उन्होंने अपनी माता का मस्तक अलग कर दिया। बताइए कैसे वो महात्मा, कैसे वो परमात्मा, माँ का ही मस्तक अलग कर दिया। बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं लोग, समझते ही नहीं हो तुम लोग। अभी मैं समझाऊंगा, तुम्हारे भ्रम को दूर करूंगा, इसलिए तो आया हूं। जो परशुराम जी ने किया वो तुम कभी नहीं कर सकते हो। परशुराम भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, नृसिंह भगवान है, वामन भगवान है, ये सब भगवान है। इनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, केवल दर्शन करो। बस शंका यदि उत्पन्न हो जाए तो संतों के पास जाके समाधान लो, ये नहीं पड़ोसी की खोपड़ी खराब करो। संतों के पास जाओ, समाधान मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए तो बुलाया जाता है, हड़ताल की परंपरा क्यों है कथा की, कि शंका न रहे, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा में कहीं कोई अभाव ना हो, श्रद्धा दूर ना हो जाए, सनातन हमारा जिस शिखर पर है उसका सम्मान बना रहे, गौरव बना रहे, सनातन अक्षुण्ण बना रहे। इसीलिए प्रेरक प्रसंग सुनाए जाते हैं। सकल कथा लक्ष्मण जी की दृष्टि से यह व्यथा है, लेकिन विश्वामित्र जी कहते नहीं कथा। लक्ष्मण जी ने कहा जैसे इंद्र आया, इंद्र ने छल किया, महात्मा गौतम ने श्राप दिया, वो रोगी हो गया, ये पत्थर की हो गई, तो ये जो घटना घटी है ये व्यथा है कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा कि व्यथा पहले थी, लेकिन अब मैं कह रहा हूं ना कथा। क्यों? जीव की व्यथा को, जीव की व्यथा को देखो, इसी को आचार्य कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं, जो जीवों को संतुष्ट कर दे, जीवों के भ्रम का निवारण कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। कहा लक्ष्मण जीवों की व्यथा को अगर अपने कानों से परमात्मा सुनता है तो फिर वो जीव की व्यथा व्यथा ना होकर कथा बन जाती है, क्योंकि जीव की व्यथा को परमात्मा पूछ रहा है और सुन रहा है, बार बार चल के स्वयं आया है और पूछ भी रहा है वाणी से और सुन भी रहा है। तो जिस जीव की व्यथा को सुनकर के परमात्मा स्वयं चल के आया है और स्वयं पूछ रहा है, स्वयं सुन रहा है, बार बार चर्चा कर रहा है अहिल्या के बारे में, तो विश्वामित्र ने कहा कि अब अहिल्या की व्यथा नहीं है, अब तो अहिल्या की कथा हो गई। व्यथा नहीं कहा जाएगा, कथा। लक्ष्मण जी ने कहा हां अब तो समझ में आ रहा है कि कथा अब हुई है। कथा कहा? अभी तो हुई कथा, अभी अभी हुई कथा, पहले तो व्यथा ही थी। लेकिन कथा सुनने के बाद चैतन्यता आ जाती है, परंतु ये तो जड़ाईवत है, तो कैसे माना जाए कि इसकी कथा? भाई जिस जीव की, जिस जीव पर दृष्टि परमात्मा कर रहा हो और जिसके बारे में वाणी से पूछ रहा हो और जिसकी चर्चा कानों से सुन रहा हो, उसमें जड़ता रहेगी कि चैतन्यता रहेगी? जल्दी बोलो, चैतन्यता रहेगी, चैतन्य हो वो तो, ये तो जड़ा ही है, असर तो कुछ हुआ नहीं, चैतन्य क्यों नहीं है, चैतन्यता क्यों नहीं आई? का लक्ष्मण तुम इस मर्म को नहीं जानते हो,
चैतन्यता आएगी, लेकिन धैर्य धारण करो। जल्दी जल्दी कर रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, थोड़ा धैर्य धारण करो, सब कुछ होगा, तुम्हारे सामने होगा, देखते देखते होगा। देखो भगवान राम तो गंभीर हैं, देखो लक्ष्मण जी वीर हैं और राम जी वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, यही विशेषता है। लक्ष्मण जी वीर ही वीर हैं, गंभीर नहीं है, हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, और राम जी वीर भी हैं लेकिन गंभीर भी हैं, बोलो यही विशेषता भगवान राम की। भगवान राम तो गंभीर हैं इसलिए खड़े हैं। अब प्यारे विश्वामित्र जी फिर कहते हैं, हे राम कृपा करो, कृपा करोगे तो इसकी जड़ता दूर हो जाएगी। भगवान राम ने कहा, गुरुजी कृपा नहीं हुई, एक घंटे से देख रहा हूं, पूछ रहा हूं, ये कृपा ही तो है? कह नहीं, कृपा तो है लेकिन वो कृपा नहीं है कि जिसमें चैतन्यता आ जाए, जड़ता समाप्त हो जाए। कहे वो कृपा नहीं है जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, ये समर्थ भगवान में है। तो कहा है तो सामर्थ आप में, तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, ये सामर्थ है लेकिन फिर ऐसा सामर्थवान व्यक्तित्व सामने खड़ा हुआ है लेकिन जड़ता दूर क्यों नहीं हो रही है? कह राम जी एक काम करो, दूर से ही आप कर रहे, थोड़ा स्पर्श करो। कैसे? गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर चरण कमल, थोड़ा चरण रख दो, बस चरण आप रखोगे तो निश्चित रूप से इसकी जड़ता दूर हो जाएगी, इसमें चैतन्यता आ जाएगी। चरण रखने से भगवान का दृष्टिपात जिस पर हो जाए उसमें चैतन्यता आ जाती है। दृष्टिपात से नहीं आ रही चैतन्यता, लेकिन चरण रखा जाए तब चैतन्यता आएगी, तो चरण थोड़ा रखिए ना। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव ये ऋषि पत्नी है इसलिए इसके ऊपर चरण मैं कैसे रखूं, क्योंकि मेरा जन्म तो रघुवंश में हुआ है ना, क्षत्रिय वंश में, और क्षत्रियों के यहां की परंपरा है, हमारे रघुवंश की इच्छाक वंश की ये परंपरा है कि ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छुए जाते हैं, उन पर चरण रखे नहीं जाते। ये तो आप मानते हैं कि ऋषि पत्नी है? हाँ ये ऋषि पत्नी तो है, तो मैं चरण कैसे रख दूं? विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं भी इस बात को जानता हूं कि तुम ब्रह्म हो। क्या हो? ब्रह्म हो। और दशरथ भी इस बात को जानते हैं, जाकर नाम सुनत सो होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, आप ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म की कोई जाति नहीं होती है, बोलो भाई ब्रह्म की कोई जाति है? जरा बताओ, ब्रह्म की कोई जाति नहीं, ये तो आपकी लीला है, आप कर रहे हैं, लेकिन यहां तो आप वास्तविकता पर आ जाइए। क्योंकि जब किसी जीव का उद्धार करना होता है तो वास्तविकता ही उद्धार कराती है, बोलो भाई वास्तविकता के माध्यम से ही उद्धार होता है कि नहीं होता है? जीव में भी वास्तविकता होनी चाहिए और ब्रह्म का भी वास्तविक स्वरूप प्रकट होना चाहिए। इसलिए आप सब जानते हैं कि संसार के लोग मीरा जी पर आक्षेप लगाने लगे थे, बोलो लगाने लगे थे कि नहीं? यहां तक लिखा, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संतों के पास बैठती थी पता नहीं लोग क्या क्या कहने लगते थे, भगवान को अपना पति मानती थी लोग जाने क्या क्या टिप्पणी करने लगते थे,
लेकिन जब वास्तविकता आई मीरा के जीवन में, भगवान के जीवन में, कि अंत समय भगवान के हृदय में सदेह प्रकट हो, सदेह प्रवेश कर गई, तो ईमानदारी से बताओ ये सारी चर्चाएं अपने आप बंद हो गई कि नहीं हो गई? मीरा सदेह भगवान द्वारिकाधीश के हृदय में प्रवेश कर गई। बोलो कर गई कि नहीं मीरा? अब कल्पना करिए वास्तविकता है कि नहीं, क्या ये अभिनय और लीला से हो सकता था, ये संभव था? ये वास्तविकता, ये वास्तविकता है। और अगर लीला में प्रवेश करती मीरा तो लीला फैल हो जाती कन्हैया की कि नहीं हो जाती? कोई सदेह किसी के हृदय में जा सकता है सामान्य स्थिति में? क्षमता ही नहीं है। लेकिन नहीं नहीं भैया, वो वास्तविकता थी, वो तो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उसमें एक मीरा क्या, ना जाने कितने भक्त भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे है? तो सीधी सी बात यह है कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि यहां आप ब्रह्म हैं, आप वास्तविकता का परिचय दीजिए, आप ये मत कहिए मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे चर पैर रख सकता हूं, आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही उद्धार कर सकता है, ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं वो ब्रह्म चिंतन ही तो करते हैं। बोलो किसका चिंतन करते हैं? ब्रह्म का चिंतन करते हैं। सुमरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा, ब्रह्म चिंतन करते हैं, आपका ही चिंतन करते हैं। आपके श्री चरण में पद राजीव वरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप वसे जिन माही। बोलो भाई, मुनि मन मधुप वसे जिन माही। हम सभी महात्मा, बड़े बड़े महात्मा तपस्वी आपके श्री चरण में ही रहते और ये सोचते रहते कि थोड़ी सी जगह चरण में मिल जाए। बोलो भैया, इसलिए तप कर रहे कि नहीं? भगवान के चरण में थोड़ी सी जगह मिल जाए, रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए भगवान के चरण में तो कल्याण हो जावे। इसलिए पद राजीव वरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप वसे जिन माही। तो आप कृपा करके ये ऋषि पत्नी है, थोड़ा सा चरण दे दीजिए, क्योंकि मुनि मन मधुप वसे जिन माही। अगर आपके चरण में थोड़ी सी जगह इस अहिल्या को मिल जाएगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे है? मन ही मन भगवान मुस्कुराने लगे, कहा गुरुदेव आप कह रहे हैं तो मैं चरण रखता हूं। इसलिए गौतम नारी शापवश उपल देह धर धीर चरण कमल। थोड़ी कृपा करिए, भगवान ने जैसे ही चरण रखा ना हिली ना डुली ना बोली। भगवान ने कहा, आपने कहा था, मैंने रख दिया चरण, वो तो जैसी की तैसी। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी भी कहीं ना कहीं वास्तविकता में कमी है, कमी है। अब वो तो जड़वत है, ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रभु आप अपना वास्तविक स्वरूप और वास्तविक कृपा, जिससे जड़ता दूर होनी है, क्योंकि जिस प्रकार का अग होता है, जैसा अग होता है वैसा ही उद्धार का तरीका परमात्मा के पास होता है। क्यों होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए कैंसर की बीमारी है और इलाज इस्नोफिलिया का किया जाए, फायदा रहेगा कुछ? बोलो भाई, इस्नोफिलिया अलग बात है, कैंसर अलग बात है। टीबी का मरीज और मलेरिया की दवा, बोलो असर होगा? जल्दी बोलो भाई। टीबी की बीमारी और मलेरिया का इलाज, टीबी का ही इलाज होना चाहिए ना, इलाज की वही विधि होनी चाहिए तभी फायदा होगा कि नहीं? कैंसर का मरीज है, उसी विधि से इलाज होना चाहिए कि नहीं, तभी फायदा होगा? जैसा मरीज मर्ज वैसे इलाज,
तो प्रभु बीमारी तो समझो इसकी, उसी विधि से आप इसका उद्धार करिए। तो बीमारी क्या है? कहा आप ये तो समझो कि ये पत्थर की हुई कैसे, कैसे हुई पत्थर की? कहा ऐसा है प्रभु, काम रज से प्रभावित हुई। किससे हुई? काम रज से। तो काम रज से अगर कोई जीव प्रभावित है तो केवल चरण रखने से उद्धार नहीं होगा, चरण रज से, राम रज से उसका उद्धार होगा, राम रज से। क्योंकि काम रज से प्रभावित है ये बीमारी है, तो इलाज में क्या चाहिए? राम रज। क्यों भाई, असर होगा कि नहीं होगा? तो चरण ही भर तो रखा, रज तो डालो, रज डालो। इसलिए चरण कमल रज चाहती, चरण कमल के साथ रज शब्द आया कि नहीं? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, थोड़ा चरण रज डालिए, क्योंकि काम रज से पत्थर बनी है, अब राम रज से ही इसमें चैतन्यता आएगी। बिना राम रज के जड़ता दूर होने वाली नहीं है, इसलिए इस विधि से उपचार किया जाए तो निश्चित रूप से असर होगा, असर होगा। भगवान ने कहा तो रजऊ डाले देते हैं, आप कह रहे तो रज डाले देते हैं। भगवान ने रज डाल दी, जैसे ही रज गिरी, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, परसत पद न शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत बोलो रज का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? चैतन्यता आई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, इसका मतलब है चैतन्यता का संचार हुआ और जाके जड़ से चैतन्य हो गई और हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी होके प्रार्थना करने लगी। सीधी सी बात यह है कि जीवन में अगर काम प्रभावित करे तो इससे बचने के लिए हमें राम की ही जरूरत है। बोलो भाई, है कि नहीं? और मैं कहता हूं काम कथा यदि हमें प्रभावित कर रही है और इसके कारण हमारी बुद्धि में अस्थिरता आ चुकी है तो इसके लिए एक ही उपाय है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। काम कथा को दूर करने के लिए हमें राम कथा सुननी पड़ेगी, तभी हमारे जीवन की काम कथा दूर, राम कथा। और आज आप सब राम ही कथा तो सुन रहे हैं, और ये प्रसंग आपको प्रेरणा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब हाथ जोड़ के खड़ी है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने कहा बर मांगो, मांगो बर। तब तक नारद जी आ गए, कहा रुको रुको रुको, अभी बर बाद में देना और मांगना भी बाद में तुम बर। अहिल्या जी अभी इतने जल्दी बर नहीं मांगो, वो तो लेना देना चलता रहेगा, भक्त भगवान की बात है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वर यदि मांगनाई है तो यही वर मांगो। क्या? अहिल्या बोली क्या? नारद जी बोले जिस पति ने इतनी कठोरता का परिचय दिया, इतनी कठोरता का परिचय दिया कि तुझे पत्थर बना दिया और खुद जाकर के आंख बंद करके बैठ गया, इसलिए यही मांगना कि जैसे मैं पत्थर हो गई तैसे जहां वो बैठा हो वह पत्थर हो जाए। नारद जी हैं भाई, वह पत्थर हो जाए। एहसास तो हो कि पत्थर बनने में होता क्या है। धन्य है ये है पतिव्रत धर्म, माताओं ये नारी धर्म, पति के प्रति कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण पति के प्रति, क्योंकि अपनी भूल को स्वीकार किया है इसलिए प्राश्चित पूर्ण हुआ है, प्राश्चित पूर्ण हुआ है, परमात्मा आया है, परमात्मा आया है, उद्धार हुआ है। लेकिन नारद जी तो परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी ने कहा देखो कहती क्या है अब अहिल्या। अहिल्या ने कहा नारद बाबा क्षमा करिए, हमारी बात सुनकर के आपको बुरा लगेगा, आज कहा सो कहा, आज के बाद मत कहना। मेरा पति जितना महान है मैं नहीं मानती हूं कि किसी दूसरे का पति महान होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिर तो हिला रही है, सिर तो हिल रहा है। मेरा पति महान है, अच्छा अच्छा देखो भाई एक मिनट का कीर्तन कराएंगे क्योंकि काफी लोग आ रहे हैं, थोड़ा आगे आगे बढ़ जाओ नहीं तो दिक्कत है लोगों को बैठने में तकलीफ, क्योंकि काफी लोग आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाओ, तब तक हम एक मिनट का कीर्तन भी करा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा क्योंकि दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा आ जाओ क्योंकि इशारा सब कर ही रहे हैं। हमारे रमेश जी बार बार कह भी रहे हैं लेकिन कोई सुन कहाँ रहा है। समिति के जो भी सदस्य हैं वो सब बार बार पीछे से एक संकेत भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा परिचय दीजिए और शांति से बैठने की भी कोशिश करिए क्योंकि मुझे ही कहना पड़ रहा है। देखो अब मजबूरी ये रही कि मुझसे कहलवाया जा रहा है क्योंकि तुम लोग टस से मसाई नहीं हो रहे थे, बैठे ही थे तो मुझे खुद कहना पड़ा। ये मेरे पास शिल्प आई है कि महाराज जी आप स्वयं कहिए थोड़ा सा तो शायद लोग सुनेंगे, तो समझा भी लोगों ने और थोड़ा सा दो मिनट का टाइम भी दे रहा हूँ, कुछ व्यवस्था संबंधी बात सुन लीजिए, तब तक जो है एक मिनट का दो मिनट का थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर कथा तो आगे हमें बढ़ानी है और आप सुन भी रहे अच्छे श्रोता हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ढंग से कथा का वर्णन कर रहा हूं। ध्वनि विस्तारक यंत्र को थोड़ा सा ध्वनि प्रदान करिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, कांतानाथ भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, पितृदेव भगवान की जय, हर हर महादेव। बड़े ही सौभाग्य का विषय है आज एकादशी है, बहुत सारे लोग व्रत भी किए हैं और आज अच्छी संख्या में लोगों ने एकादशी व्रत और अपना ग्यारहवां श्राद्ध सिद्ध करने के लिए, कृपा पाने के लिए कामतानाथ को सहयोग किया है। आशीर्वाद पाने के लिए मैं नामोच्चारण करूंगा क्योंकि कुछ लोग जाने वाले हैं, इसलिए सम्मान आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए जिन्होंने सेवा में अर्पण का भाव दिया है। मैं नामोच्चारण करूंगा, वे मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे और तब तक बैठने की व्यवस्था भी हमारी ओके हो जाएगी और फिर हम कथा में दो मिनट बाद प्रविष्ट होंगे। बलवीर कोल्ड स्टोरेज से 5100 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है, यदि यहां पर हो तो महाराज श्री से आकर आशीर्वाद लें। श्रीमती कुसुमा देवी जी की ओर से उनके पुत्र पंडित राममोहन वशिष्ठ ने
50 किलो अन्नदान के लिए 1100 रुपए दिया है, मंच पर आवे। श्री दिनेश पचौरी जी, स्टेशन रोड, 1100 रुपए आपके द्वारा प्रदान किया गया है। श्री नरेंद्र कुमार जी, सुपौत्र, आप मास्टर अनार सिंह जी के हैं, आप भी मंच पर आकर महाराष्ट्र से आशीर्वाद लें, 1100 रुपए का सहयोग किया है। 1100 रुपए का सहयोग प्रदीप कुमार जी शंभू नगर से, आप भी मंच पे आए, महाराष्ट्र से आशीर्वाद लें, शीघ्रता से आते जाइए। इसी श्रृंखला में द केमिस्ट शॉप से अपने पूज्य पिताजी और हमारी समिति के बहुत अच्छे सदस्य थे श्री कैलाश चंद्र जी सिंघल, उनकी स्मृति में पूज्य माता जी ने 5100 रुपए का सहयोग एक भूसा गाड़ी के लिए किया है। जोर तार तालियों से अभिनंदन करते हुए उनका वंदन करेंगे। और गुड़ के सहयोग के लिए 1100 रुपए उन्होंने दिया है, पूज्य माता जी महाराष्ट्र से आकर आशीर्वाद लेंगी। और इसी श्रृंखला में श्री सर्वेश कुमार जी, सन ऑफ वीरेश्वर सिंह जी, मेला वाला बाग, आपने भी 1100 रुपए का सहयोग दिया है। इसी कड़ी में आगे दुर्गा होटल से श्री आशाराम जी, सुपुत्र सीताराम जी, आपने भी 1100 रुपए का सहयोग कामतानाथ ट्रस्ट के लिए दिया है। श्री संजीव कुमार जी गुप्ता, खत्री स्ट्रीट से, आपने भी 50 किलो अन्नदान के लिए 1100 रुपए दिया है। और इसी के साथ में अपनी पूज्य माता जी की स्मृति में हमारी समिति के संरक्षक ठाकुर अश्विनी कुमार सिंह जी ने 11000 रुपए का सहयोग एक दिन के भोजन के लिए कामतानाथ ट्रस्ट को दिया है। आपसे भी हम आग्रह करेंगे, मंच पर आकर महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कृष्ण प्रिया स्टील फर्नीचर की ओर से 1100 रुपए का सहयोग 50 किलो अन्नदान के लिए। आप हमारे पूज्य गुरुदेव रामलखन उपाध्याय जी के सुपुत्र हैं और आपने भी अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में ये दान किया है। जोरदार तालियों से सभी का अभिनंदन। और आइए इस मंगलमय आशीर्वाद के बाद हम लोग भगवान की कृपा पाने के लिए पुनः कथा से जुड़े। जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सीतानाथ भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। आज के आनंद की जय। दुनिया वाले बाबा की जय। जय जय सीताराम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जिन संतों के चरणों में मुक्ति विराजे, पकड़े रहो वे चरण धीरे धीरे, पकड़े रहो वे चरण धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। बहुत प्रसन्नता है कि आप सब कितने गंभीर हैं और आज्ञाकारी भी हैं। आदेश मिला कि आगे बढ़ के बैठना है, थोड़ा आगे आगे बढ़ जाइए जिससे पीछे वालों को जगह मिले, तो आपने आज्ञा का पालन किया और बड़े धीर गंभीर होकर के फिर बैठ गए। यही अच्छे श्रोताओं के लक्षण हैं। और पितृ पक्ष का ये सुंदर अवसर मात्र और पितृ इनके कल्याण के लिए ही ये पक्ष है, पूर्वजों के कल्याण के लिए पक्ष है। और इसमें तो दान की बड़ी महिमा है,
अन्नदान, द्रव्य दान, वस्तुदान या गौदान आदि आदि जो दान है, बड़ी महिमा है। और आपको ये लाभ मिल रहा है कि पूर्वजों की शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शांति के लिए आप मुक्त हस्त से दान कर रहे हैं। भगवान कामतानाथ जी आपका कल्याण करें, ये हृदय से अनंत कोटि शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अहिल्या जी कहती हैं, नारद बाबा मेरा पति महान है। कहा क्रोधी तो है, कहा क्रोधी भी नहीं है। नारद जी ने कहा क्रोधी नहीं होता तो श्राप कैसे देता, श्राप दे दिया है। अहिल्या जी कहती हैं, श्राप नहीं था, वो वरदान था, वो वरदान था। कल्पना करो आप, अहिल्या जी का उद्धार हुआ है, बोलो सकारात्मक सोच है कि नहीं? नकारात्मक सोच तो नहीं है, सकारात्मक, हर बिंदु पर सकारात्मक सोच है। इसलिए माताओं सकारात्मक सोच बनाओ, इतने फायदे हैं इस सोच से, इतने फायदे हैं कि अपना तो कल्याण है ही, पूरे परिवार का कल्याण है, और परिवार के साथ साथ सनातन धर्म का तो परम कल्याण है। अगर इस प्रकार की विचारधारा से ओतप्रोत नारी हो जाए, मातृशक्ति हो जाए। अहिल्या जी कहती है क्रोधी भी नहीं है, कहे श्राप दिया। अहिल्या ने कहा श्राप नहीं दिया, वरदान दिया। वरदान, हाँ। नारद जी, तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में मारा। मेरा पति कितना महान है कि मुझे वरदान दे दिया, श्राप नहीं। कैसा वरदान? कहे मेरे जीवन में इतनी बड़ी कृपा हुई, इतनी बड़ी कृपा हुई कि बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेंद्र, हंस, परमहंस, अम्लात्मा, बिमलात्मा अनंत वर्षों तक तपस्या करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अरे राम जी का नाम अंत समय जिह्वा पर नहीं आता, यहाँ तो राम ही आ गया। तो ये अहिल्या की तपस्या से नहीं, अहिल्या की शक्ति से नहीं, मेरे पति के वरदान से ही ये आज मुझे सौभाग्य मिला है कि परमात्मा स्वयं आकर के खड़ा हो गया है और मेरा उद्धार कर रहा है, मेरा कल्याण कर रहा है। ऐसा पति किसका होगा जिसने परमात्मा से जोड़ दिया। अब जिस वाणी से परमात्मा मिलता हो वो श्राप की वाणी नहीं है, वो वरदान की वाणी होगी। बोलो होगी वरदान की वाणी कि नहीं? इसलिए गलत क्यों सोच रहे हो कि श्राप दिया, वरदान दिया है। ये क्रोध नहीं, ये करुणा थी उसकी, मेरे ऊपर करुणा की है, क्रोध नहीं। देखो क्रोध को करुणा में समझा, सकारात्मक सोच है कि नहीं? श्राप को वरदान में समझा, ये सकारात्मक सोच। इसलिए क्रोध नहीं, करुणा, श्राप नहीं, वरदान। इसलिए मेरा पति महान है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं प्रभु, तो जहां मेरा पति हो बस उसके चरणार विंदों तक मुझे पहुंचा दीजिए, उसके चरणार विंदों तक मुझे पहुंचा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो वही पति मांगा कि नहीं मांगा? अहिल्या का चरित्र प्रेरणादायी है, जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यही भांति सिधारी गौतम नारी, कहां गई? गई पति लोक आनंद भरी, कहां गई? गई पति लोक, जहां पति है वहीं गई। और भगवान से यही मांगा कि नहीं मांगा? सीधी सी बात यह है कि पति अगर आपके व्यवहार से दुखी है,
और उस व्यवहार से दुखी है कि जो व्यवहार कुल परंपरा के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो माताओं, बहन बेटियों, मैं कहना यही चाहता हूं कि अपने आप पर विचार करो और विचार करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करो, और जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, विचार में परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि परवरदिगार बड़ी कृपा करेगा, और परवरदिगार की कृपा हो जाएगी तो याद रखना वो दिन जो तुम्हारे बदल गए थे, पति से दूर होना पड़ा किसी समस्या को लेकर के, फिर कोई दूसरा पति नहीं, वही पति मिलेगा, और वो पति मिलेगा जगत पति के माध्यम से मिलेगा। वो पति स्वयं क्या करेगा, गौतम ने जो किया वही क्या किया, गौतम ने भगवान की चरण रज लेकर के गई अहिल्या, समझ रहे हो ना, और अपने पति को दे दिया। कहा ये क्या है, गौतम जी ने कहा ये है क्या, अहिल्या कहती है ये प्रभु राम की चरण रज है। तो याद रखना नियम तो ये होता है भैया, चरण रज थी ना ये, उसमें पीले पीले कण भी थे सिंदूर की तरह, समझ गए हो कि नहीं, पीले पीले सिंदूर की तरह कण थे, तो गौतम ने अपने माथे पर धारण कर लिया। तो अहिल्या कहती है आपने अपने हाथ से स्वयं इस रज को माथे पर धारण किया है, लेकिन आप अपने हाथ से इसी रज को मेरी मांग में भर दीजिए, माथ पर रख दीजिए, मेरा जीवन का कल्याण हो जाएगा, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलो वही दिन आ गए वापस कि नहीं आए, प्रसन्नता चली गई थी वापस लौट के आ गई कि नहीं आ गई। इसलिए सकारात्मक सोच होगी तो प्रसन्नता चली जाएगी लेकिन वापस आ जाएगी, और नकारात्मक सोच आ जाएगी तो प्रसन्नता भी चली जाएगी और जीवन भी चला जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस चरित्र को सुन करके हमें अपने दोषों में सुधार लाना चाहिए। उद्धार हो गया, पति के पास पहुंच गई, पति भी प्रसन्न है, पत्नी भी प्रसन्न है, गौतम जी भी प्रसन्न है, और अहिल्या भी प्रसन्न है। गौतम इसलिए प्रसन्न है कि ये चरण रज के लिए तो तरसते हैं महात्मा कि चरण रज मिल जाए, लेकिन धन्य है तू चरण रज लेकर के आई है मेरे पास, क्योंकि इसी चरण रज से ही तो गौतम का उद्धार होना है, इसी चरण रज से गौतम का उद्धार होना है, तो तू उद्धार का अस्तित्व लेकर के मेरे पास आई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अहिल्या बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, आज प्रसन्नता लौट आई। भगवान से यही प्रार्थना है कि परिवार में प्रसन्नताएं बनी रहें, और प्रसन्नता किसी कारण को लेके अगर दूर हो गई है तो वो लौट आवे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। इस चरित्र को सुन करके प्रसन्नता लौट आए परिवार में, मेरी प्रार्थना है भगवान से। एक और बढ़िया बात, क्या गई पतिलोक आनंद भरी, आनंद आनंदित होकर के गई, तो आनंदित होकर के गई, आनंद लेकर के गई, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, भाई जिसके पास आनंद था उसी ने तो आनंद दिया है, आनंद सिंधु सुख राशि कौन है, राम जी है, उन्हीं से तो आनंद लेके गई। लेकिन सत्य तो यह है कि तुलसीदास जी ने फिर लिखा कि सिला साप संताप विगत भई तुलसी परषट पाओ, दई सुगत सोना हेरी हरस ही चरण छुए पछताओ। भगवान को पश्चाताप हो गया, क्या फिर वही लीला आ गई। अभी तो ब्रह्म जैसे ही वर्णन किया था ब्रह्म का विश्वामित्र जी ने, तो ब्रह्म समझ करके चरण रख दिया, लेकिन फिर लीला शुरू हो गई कि चरण छुए पछताओ, मैंने चरण रख दिया इसका पश्चाताप। लेकिन लोक लीला में फिर भगवान ने प्रेरणा दी तुम सबको, क्या कि अगर कोई अपराध बन जाए तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी से पूछो कि इस अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी, उपाय बताओ। तो विश्वामित्र जी से ही उपाय पूछ रहे राम जी, तो विश्वामित्र जी कह रहे चिंता करने की जरूरत नहीं है राम,
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे भूल हो गई, तो उस भूल के लिए प्राश्चित यही है कि गंगा स्नान करो। जो भाई गंगा स्नान करो, देखिए सबके लिए उपाय हैं, हाँ इसलिए तो कथा सुननी चाहिए। गंगा स्नान। गोस्वामी जी कहते चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गंगा स्नान कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके बाद ये चौपाई लिखी कि नहीं, गंगा जी के तट पर विश्वामित्र जी ले गए राम जी को। अरे गंगा तो उनके चरणारविंदों से निकली हैं, निकली कि नहीं भगवान के, लेकिन ये नर लीला है और नर लीला में गंगा की कितनी बड़ी महिमा है कि गंगा जी के तट पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। गंगा की बड़ी महिमा, गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करो तो मुक्ति मिल जाती है, स्नान कर लो तो कहना ही क्या, दर्शन मात्र से कल्याण होता है। इसलिए आप सब मुक्ति के लिए गंगा जी जाते हो, अपने पुरखों को ले जाते हो, उनकी अस्थियां भी ले जाते हो कि नहीं गंगा जी में, क्यों मुक्ति मिले, मुक्ति मिले इसलिए।